हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन का जो नाम है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हम थोड़ा एनिमेशन वगैरह का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या रहता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर और उसका यूज़ क्या रहेगा। अब सबसे पहली चीज़, जैसे आप देख रहे होंगे, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फैन, ये कार है, कार का ये जो व्हील है ये, देन वॉशिंग मशीन उसके अंदर का ये ड्रम, देन उसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर जो हर किसी के घर में होता ही है। बेसिकली आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कंसिडर करे होंगे कि ये जो फैन है, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। मतलब आपने इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, एज सुन एज यू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दिस फैन, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के बाद में इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। आपने ये देखे होंगे कार का जो चक्का है, जैसे गाड़ी चलाऊंगी तो उसमें ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन होता, उधर भी मोटर प्रेजेंट होती है टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। ये जो ड्रम है हमारा वॉशिंग मशीन का, ये भी घूमता है, इसका मतलब घूमने का इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हो रहा। बट ये घूमने का इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। मिक्सर में भी, ग्राइंडर में भी ऐसा होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, देन इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब भी हम मोटर कंसिडर करेंगे तो मोटर बेसिकली क्या है, वॉट इज कॉल्ड एज मोटर, मोटर का मतलब क्या रहेगा। मोटर को हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बोलेंगे, मोटर जो है एक इलेक्ट्रिक एक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस इन विच वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद में ये डिवाइस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब कोई डिवाइस में अगर रोटेशनल इफेक्ट अगर प्रोड्यूस होता है, इफ़ इन अ डिवाइस इफ रोटेशनल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो रोटेशनल इफेक्ट जब भी प्रोड्यूस होता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। हम ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो दो सिंपल से डेफिनेशन है, प्लीज नोट डाउन टू सिंपल डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहला डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस इन विच यू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द डिवाइस एंड द डिवाइस प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। हमारा जो डिवाइस है वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड चीज ऐसी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपका जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कंसेप्ट पे वर्क करेगा। क्वेश्चन आएगा आपको, नेम अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। सेकेंड क्वेश्चन के व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम बोलेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू अ डिवाइस इन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और टू अ कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। इसका जो आगे का पार्ट है, वो आगे के पार्ट में हम वीडियो में देखेंगे कि उसमें वो जो मोटर एक्चुअल में उसका वर्किंग कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से, वो हमारे को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है सबको कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद में अगर कोई डिवाइस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलो तो इसके आगे का जो पॉइंट है हम ध्यान से देखते हैं। बहुत बेसिक 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 सी चीज़ें हैं, ये ऐड चालो वैसा आला। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब क्या है, वो बेसिक आपको एनिमेशन वीडियो बताना है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे का पॉइंट जो है कंटिन्यू करते हैं। अब
व्हाट इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है वो हमारे को समझना है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। अब सबसे पहले तो आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा मोटर का। तो हाउ डू वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ मोटर, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैग्नेट लेना है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, ये मैग्नेट का, और ये मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट है, दिस इज साउथ एंड नॉर्थ पोल। दो हेवी मैग्नेट्स आपको लेने हैं, और ये मैग्नेट्स में ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, दे आर नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकालनी है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यू व्हेन यू विल हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, आपको एग्जाम में डायग्राम निकालना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे निकालेंगे सबसे पहले वो समझ लो। आप क्या करो, ये सबसे पहले दो मैग्नेट्स निकालो, यू हैव टू ड्रॉ टू मैग्नेट्स, ये पहले नॉर्थ पोल और वो सामने का साउथ पोल, हॉर्सशू मैग्नेट आपको निकालना है। उसके बीच में आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये जो आपको रिंग घूमता हुआ दिख रहा है ना, उसको आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको जब आप हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँ कि हॉरिजॉन्टल कैसा निकालना है, ठीक है। चलो एक बार ये एक्चुअल में वर्किंग है मोटर का, वर्किंग पे पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको डायग्राम में क्या क्या निकालना है। हाँ, थोड़ा इसको, यस, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यू नीड टू ड्रॉ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको निकालना है मैग्नेट के। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लाइंस बताने, जो ग्रीन दिख रहे हैं देर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और बीच में क्या करना है, एक कॉइल निकालना है, कॉइल। ये कॉइल जो है, कॉइल ए बी सी डी, ये कॉइल ए बी सी डी है। अब ये जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका जो ए पार्ट है, इट इज कनेक्टेड टू दिस ब्लू कलर्ड रिंग। ये जो रिंग है, ये रिंग ऐसी स्प्लिट हुई है, मतलब जनरली हम जो रिंग कंसिडर करते हो कंप्लीट सर्कल रहता, बट ये बीच में टूटी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग जो है, इसका काम क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ डायग्राम पे फोकस करते हैं, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम में पहले आपको मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बाद में ए बी सी डी, यू नीड टू ड्रॉ अ कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल निकालना है। रेक्टेंगुलर कॉइल के जो पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है, ये आपको कनेक्ट करने हैं टू रिंग, ठीक है। आप क्या करो, दो कलर पेंसिल यूज करो, कलर पेंसिल यूज करके आपको एक जो है उसमें आपको ब्लू कलर कर देना है, या जो भी कलर करना चाहते हैं आप, और दूसरे को अलग कलर देना है। ये जो रिंग है, आपको रिंग दिख रही, ये रिंग के बीच में गैप है, और ये वाली रिंग को हम बोलेंगे, दिस रिंग विल बी कॉल्ड ए स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब डायग्राम निकालते टाइम पे आप गौर से देखेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है आपका, दिस इज ब्रश ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है रिंग के बाहर लगा हुआ है, दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, और जो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कार्बन ब्रश, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बन ब्रश। और ये कार्बन ब्रश जो है, ये कनेक्ट किया हुआ है हमारे सर्किट को, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, या फिर अपन ऐसा बोल सकते कि डायग्राम कैसे निकालना, डायग्राम के बाद में हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायग्राम में हम क्या बोलेंगे, एक सर्किट निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स को आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है ब्रश को। ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट ब्रश, ये आपको ब्रश को कनेक्ट करना है। और ये जो ब्रश के अंदर है, आपको ऐसी एक स्प्लिट रिंग निकालनी है, स्प्लिट। इसको स्प्लिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्प्लिट हुई है, स्प्लिट होना मतलब टूटना। तो ये एक पूरा सर्कल ना रहते हुए, ये दो सेमी सर्कल है और उनके बीच में एयर गैप है, देर इज एयर गैप। वो एयर गैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो हमारे को देखना है। अब आपका ये जो वायर है, ये कॉइल का, यानी ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल, उसका ए पार्ट इस रिंग को कनेक्टेड है, फिर दिस इज पार्ट बी, देन डी सी, और उसके बाद में ये जो सी पार्ट है वो आपको कनेक्टेड है कार्बन ब्रश को। तो
ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, यानी ये डायग्राम है। अब कंस्ट्रक्शन के अगर पार्ट आप देखेंगे तो उसके पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर में मैग्नेट्स आर यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली मैग्नेट का यूज क्या रहेगा, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी इज देयर। ये जो लूप है ए बी सी डी, ये लूप का क्या यूज है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेसिकली, और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। तो अगर जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो देयरफॉर इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स, और इसको फोर्स लगेगा। इसको जब फोर्स लगेगा तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हम उसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे आगे। तो ये पॉइंट जो है, कंसेप्ट जो एनिमेशन के बिना समझ में नहीं आता था आपको, इसके लिए एक नया ट्राई है सो दैट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं तो बोर्ड पे तो अपन बिल्कुल समझते ही है बहुत सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा एक नया ट्रायल है सो दैट यू कैन गेट परफेक्ट व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन वर्किंग ऑफ मोटर। फिर उसके बाद में थर्ड जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग्स आर अटैच टू द रेक्टेंगुलर लूप। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको स्प्लिट रिंग अटैच्ड है। और उसके बाद में हम ऐसे बोलेंगे ये स्प्लिट रिंग और रेक्टेंगुलर कॉइल दे आर अटैच वाया मतलब थ्रू कार्बन ब्रश। तो ब्रशेस टच द स्प्लिट रिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखो, ये आपकी स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग का जो कोना है, कोने पे ब्रश है, और ऐसा आप बोल सकते हैं कि ब्रश जो रहेगा, ब्रश कहाँ जाएगा, ब्रश विल बी कनेक्टेड टू द सर्किट। तो टोटल सेटअप कैसा है, सर्किट देन ब्रश स्प्लिट रिंग देन आर रोटेटिंग रेक्टेंगुलर लूप। तो अपन ऐसे बोलेंगे वर्किंग समझने के लिए पहले आपको कंस्ट्रक्शन समझना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, हम बोलेंगे हमारे पास में रहेगा मैग्नेट, मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बीच में जो है दैट इज कॉइल ए बी सी डी, इसको ए बी डी और सी बोला गया है यहाँ पे। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, कॉइल है, वो कनेक्टेड है किसको, हमारे स्प्लिट रिंग को। स्प्लिट रिंग कनेक्टेड है कार्बन ब्रश को, और कार्बन ब्रश कनेक्टेड है एक्सटर्नली थ्रू वायर्स टू अ बैटरी। इधर बैटरी का क्या यूज़ है, बैटरी इज कनेक्टेड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ब्रश। ये जो बैटरी है, बैटरी क्या करेंगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगी ब्रश को। करंट जाएगा, सबसे पहले करंट अगर पास हुआ तो पॉजिटिव से करंट आएगा, यहाँ से जाएगा ब्रश में, ब्रश से जाएगा स्प्लिटरिंग में, फिर अंदर जाएगा कॉइल में, और फिर ऐसा घूम के फिर वापस से नेगेटिव के पास आएगा। ये बेसिकली एक जनरल अपना ओवरव्यू है स्ट्रक्चर ऑफ मोटर का। इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से वर्किंग समझना है। तो सबसे पहले वॉट आर वेरियस पार्ट्स ऑफ मोटर। मोटर कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट्स यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी इज देयर, और ये खुद रोटेट होगा। थर्ड जो रहेगा दैट इज स्प्लिटरिंग, एंड दिस स्प्लिटरिंग्स आर अटैच टू रेक्टेंगुलर लूप। स्प्लिटरिंग को कम्यूटेटर रिंग भी बोला जाता है। स्प्लिटरिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर रिंग। कम्यूटेटर रिंग का मतलब एक ऐसी टाइप की रिंग है जो पोलैरिटी रिवर्स कर देती है, अ टाइप ऑफ रिंग विच रिवर्सेस पोलैरिटी। मतलब अगर सपोज कोई एंड, कोई रॉड पॉजिटिव को कनेक्टेड था तो वो कुछ टाइम के बाद में नेगेटिव को कनेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए जो रिंग यूज होती है उसको हम कम्यूटेटर रिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज कम्यूटेटर रिंग, कम्यूटेटर रिंग एक ऐसी टाइप की रिंग है जिससे हम पोलैरिटी चेंज करते हैं, वी चेंज द पोलैरिटी। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट जो आगे का पॉइंट है वो देखो। अब ये हमारा जो वर्किंग है वो ध्यान से देखना है, व्हाट इज वर्किंग ऑफ आर मोटर। मोटर का वर्किंग क्या है वो ध्यान से देखो। अब इसमें हमारे को लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, वर्किंग को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले पॉइंट देखो कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ऑब्जर्व फर्स्ट पिक्चर। पहला पिक्चर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा, करंट विल एंटर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल एंड विल टच द कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो है वो कनेक्टेड है हमारे
रिंग को, स्प्लिट रिंग को ब्लू पार्ट को कनेक्टेड है, एंड दिस ब्लू पार्ट ऑफ स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू कॉइल ए बी. तो हमारा करंट यहाँ से जा रहा पॉजिटिव से, पहुँच रहा कार्बन ब्रश तक, कार्बन ब्रश से फिर किसको टच कर रहा है, इट इज़ टचिंग द ब्लू पार्ट, और ये ब्लू पार्ट से निकल के होते हुए, यानी जो स्प्लिट रिंग है उससे होते हुए ए बी कॉइल में जा रहा है. फिर करंट हमारा बी डी में जाएगा. बी डी का डायरेक्शन अगर आप देख रहे होंगे तो इट इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है और बी डी का भी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है. तो हम ऐसे बोलेंगे कि कंडक्टर का डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू इच अदर. इसके लिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. हमने फोर्स का फॉर्मूला लिए थे एफ इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो है तो फोर्स की वैल्यू जीरो, मतलब बी डी कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है. हमारा ए बी जो कंडक्टर है, आर्म ऑफ कंडक्टर, रेक्टेंगुलर लूप, ऑब्वियसली उसमें फोर्स लगेगा. वो कैसे लगेगा हम देखेंगे. करंट अब हमारा जाएगा डी से लेके तो सी तक, देन सी टू इट विल रीच दिस स्प्लिट रिंग येलो कलर वाली, और फिर ब्रश एंड फिल विल रीच नेगेटिव टर्मिनल. अब ये जब होता तो जनरल पॉइंट देखो, इसमें हमारा जो कंडक्टर है इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपका जो कंडक्टर है उसमें फोर्स जनरेट होगा. हम पहले डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आर्म ए बी एंड रिलेटेड टू आर्म सी डी. आर्म सी डी ले लेते. चलो आर्म सी डी में करंट की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे, इट इज टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ करंट आ रहा है. देखो बाहर की तरफ करंट आ रहा है. आप सबका अपना लेफ्ट हैंड उठा लो, लेफ्ट हैंड उठा के देखना है. करंट जो है, करंट बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है फ्रॉम डी टू टू सी. हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखो ध्यान से, इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से लेके तो साउथ तक है. तो नॉर्थ टू साउथ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ये थम क्या देता है? थम ऑलवेज गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर. तो आपका ये जो आर्म है सी डी, दिस सी डी आर्म इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. सी डी आर्म पे फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन ऊपर रहेगा. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन आर्म सी डी? आर्म सी डी में जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा. अब हम क्या करेंगे, ए बी आर्म कंसिडर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंसिडर आर्म ए बी. अब ए बी आर्म अगर आप देखेंगे, इफ यू कंसिडर आर्म ए बी, तो ए बी आर्म में करंट जा रहा है अंदर की तरफ. तो इफ यू कंसिडर लेफ्ट हैंड रूल, करंट अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, करंट इज गोइंग इनसाइड फ्रॉम ए टू बी. नॉर्थ से साउथ पोल जो है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ इज नथिंग बट योर क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और अगर आप देख रहे होंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा, नीचे. तो पॉइंट क्या होगा कि आपका जो आर्म सी डी है, सी डी आर्म ऊपर जाएगा और ए बी आर्म जो है वो नीचे आएगा. इन वर्किंग ऑफ मोटर सबसे पहले जैसे ही करंट आप चालू कर देते हो, करंट जब सर्किट में फ्लो होना चालू हो जाएगा तो हमारा सी डी आर्म ऊपर जाएगा, क्योंकि इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर डायरेक्शन. और जो ए बी आर्म है, इट विल स्टार्ट टू फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा. तो इसका जो फोर्स है हमारा, फोर्स, ये फोर्स आप ध्यान से देखो, द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय आर्म सी डी विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन और ए बी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और इस वजह से रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. अब इफ यू ऑब्जर्व, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर इस तरीके से दिखेगा. तो ये पिक्चर आप ध्यान से देखो, सी डी आर्म ऊपर जा रहा है और ए बी आर्म नीचे जा रहा है. अभी अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपका आर्म ए बी कनेक्टेड है ब्लू रिंग को और आर्म सी डी कनेक्टेड है हमारे येलो रिंग को. कौन सा रिंग को कनेक्टेड है? येलो रिंग. अब जैसे ही आपका ये जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप घूमेगा,
व्हेनेवर योर रेक्टेंगुलर लूप मूव्स, तो एक पॉइंट आएगा कि स्प्लिट रिंग आने की वजह से देर विल बी एयर गैप। एयर गैप रहने की वजह से क्या होगा, जैसे ही आपका ये जो सी डी आर्म है ये 90 डिग्री टर्न हो गया है, 90 डिग्री टर्न जब हो जाएगा, 90 डिग्री टर्न होने के बाद में क्या होगा, आपका ये जो गैप है स्प्लिट रिंग है वो कार्बन ब्रश के सामने आ जाएगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट विल ब्रेक, क्योंकि आपको एयर गैप आने की वजह से करंट उसमें फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन व्हेन सीडी क्रॉसेस द वर्टिकल पोजीशन, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री मतलब क्या है कि हमारा ऐसा था अब ऐसा हो गया है, 90 डिग्री रोटेशन के बाद में, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री रोटेशन के बाद में सीडी वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा। सीडी वर्टिकल पोजीशन पे आने के बाद में स्प्लिट रिंग कांटेक्ट छोड़ देता है, किससे, ब्रश से। ब्रश से कांटेक्ट छूटने के वजह से हमारे सर्किट में करंट जाना बंद हो जाता है। जैसे हमारे सर्किट में करंट जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप ये फिर भी मूव होना कंटिन्यू करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका ये जो लूप है ये फिर भी कंटिन्यूसली मूव होता है। ये मूव होने का रीज़न ये है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, दैट टॉपिक वॉज कॉल्ड इनर्शिया। वॉट इज इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से स्प्लिट रिंग से कॉन्टैक्ट टूट जाने के बाद में भी हमारा जो कंडक्टर है यानी जो रेक्टेंगुलर लूप है ये मोशन में रहता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है। अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना है। अब इसके आगे का जो डायग्राम, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो। अब क्या होगा, इस पे फोर्स लग रहा था ऊपर के डायरेक्शन में, ए बी पे फोर्स लग रहा था नीचे के डायरेक्शन में। जैसे ही हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल हॉरिजॉन्ट ये जो वर्टिकल को क्रॉस कर लेता है, 90 डिग्री रोटेशन जब हो जाएगा, ठीक है, स्टिल हमारे आर्म सी डी का मोशन कंटिन्यू रहेगा और ए बी का भी मोशन कंटिन्यू रहेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान से देखना है वो, दिस इज पिक्चर नंबर टू, दिस इज पिक्चर नंबर थ्री। अब देखो ये जो हमारा सी डी है, आप अगर गौर से देखेंगे सी डी, सी डी हमारा अभी इसमें कनेक्टेड है येलो को और ए बी कनेक्टेड ए बी को। ठीक है, अब अगर आप देख रहे होंगे ब्लू इज कनेक्टेड टू ए बी एंड येलो इज कनेक्टेड टू सी डी, सॉरी ये हमारा अभी सी डी कनेक्टेड इज स्टिल कनेक्टेड टू येलो एंड ए बी स्टिल कनेक्टेड टू ब्लू कलर। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा सी डी कॉइल नीचे आएगा, वेन एवर योर कॉइल सी डी विल कम डाउनवर्ड्स, सी डी कॉइल नीचे आने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे जो चेंज आपको मिलेगा वो ध्यान से देखो, व्हाट इज द चेंज दैट यू विल गेट। अब इधर देखो, करंट ये वाला जो है पॉजिटिव से निकलेगा, इट विल एंटर द ब्रश और स्प्लिट रिंग येलो से होके सी डी के अंदर जाएगा। पहला जो डायरेक्शन था हमारा सीडी का करंट का वो था बाहर। अब क्या होगा, अब हमारा ये जो येलो कॉइल है यानी येलो स्प्लिट रिंग का जो पार्ट है वो सीडी को कनेक्टेड है, और ये सीडी को कनेक्टेड रहने की वजह से अब करंट पॉजिटिव से निकलेगा, इट विल एंटर इनटू येलो कलर्ड स्प्लिट रिंग एंड एंटर विल एंटर सीडी। तो सीडी का जो करंट था पहले आ रहा था आपके तरफ बाहर के डायरेक्शन में, अब जो करंट है सीडी में वो अंदर के डायरेक्शन में जाएगा। द करंट इन सीडी सीडी विल गो इन इनसाइड डायरेक्शन। अब क्या होगा देखो, अब ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ आपको गौर करना है। पॉजिटिव से करंट निकल रहा, इट विल एंटर इनटू ब्रश, इट विल एंटर इनटू येलो स्प्लिटरिंग एंड करंट विल नाउ एंटर इनटू सीडी। पहले हमारा करंट था सीडी में बाहर की तरफ, अब हमारा करंट है सीडी में अंदर के तरफ। ये आर्म सीडी में अब करंट अंदर के तरफ जाने के वजह से क्या होगा कि हमारा जो अब सीडी आर्म है, अब इसको हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
करंट इन सीडी नाउ इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्टिल रिमेन सेम, तो फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारा आर्म सीडी था जो ऊपर जा रहा था, अब वो नीचे आना चालू हो जाएगा। तो ये आर्म आपको ऐसा दिखेगा। नाउ योर आर्म सीडी विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और आर्म ए बी ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो आर्म ए बी ऊपर के डायरेक्शन में क्यों जाएगा वो ध्यान से देखो, हाउ कम। अब पहले ए बी में करंट था अंदर की तरफ, अब ए बी में करंट ये सर्किट से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा बाहर की तरफ। करंट जब बाहर की तरफ आता है तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, करंट व्हेनेवर गोज इन फ्रंट डायरेक्शन बाहर की तरफ जब आएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, दिस इज लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आपका जो फोर्स है एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमारा ए बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और सी डी जो है नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इट विल, ये ए बी पहले यहाँ था, दिस वॉज ए बी, दिस वॉज सी डी, तो इसका मोशन हो गया। मोशन होने के बाद में इसका पूरा एक कंप्लीट राउंड हुआ, ये ए बी जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, सॉरी ये दिस वॉज ए बी, दिस इज डी एंड दिस इज सी, ए बी जो था वो इधर आ गया और उसके बाद में फिर उसके बाद में ए बी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका कंटिन्यूस मोशन होना चालू हो जाता है। तो कंटिन्यूस मोशन चालू होने का यानी इसका सर्कुलर मोशन होना चालू हो जाता है। अब इसका अगर कॉइल का सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन होगा तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट होना चालू हो गया, रोटेशनल इफेक्ट। तो इसके लिए आपका जो कॉइल है इसमें रोटेशनल इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, आपके स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है। स्प्लिट रिंग का फंक्शन बहुत सिंपल है, आपका जो स्प्लिट रिंग है उसमें 90 डिग्री जैसे हमारा कॉइल क्रॉस हुआ तो करंट का डायरेक्शन पहले आर्म सीडी में था बाहर की तरफ, अब उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, अब करंट का डायरेक्शन जा रहा अंदर की तरफ। सीडी वाज इनिशियली कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, स्प्लिट रिंग रहने का जैसे सीडी अब कनेक्टेड है पॉजिटिव को, तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के जैसा काम करता, इट चेंजेस द पोलैरिटी, ये क्या चेंज कर देता है, पोलैरिटी कॉइल की चेंज कर देता है। तो बेसिकली इट इज़ द वर्किंग ऑफ योर इलेक्ट्रिक मोटर, ये वर्किंग है आपके इलेक्ट्रिक मोटर का। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके रिलेटेड ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है आपके इलेक्ट्रिक मोटर की, जिसमें आपको दिखेगा कि पूरा जो कॉइल है इट इज़ गोइंग टू शो योर रोटेशनल इफेक्ट। तो इसका जो ओरिजिनल वर्किंग है, जो घूमता इफेक्ट है, ये आपके स्टार्टिंग में बताया हुआ है। स्टार्टिंग डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इन स्टार्टिंग डायग्राम यू विल सी, ये हमारा कॉइल ए बी सी डी है और ये कंटिन्यूसली रोटेट होगा, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यूसली रोटेट। तो ये आपका वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर का। आपको सबसे पहले तो उसका इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन लिखना है, उसके यूज़ लिखने हैं कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, देन उसका कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग, ठीक है। ये बेसिक सा पार्ट है आपका रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। चलो देन, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद।